कोर्ट नहीं पहुंचा आजम खान का परिवार। सपा नेता आजम खान पर जिरह ओपन कराने पर लगा 2000 का हर्जा। अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 2000 रुपए के हर्जे पर मिला गवाहों से जिरह का मौका। पिछली तारीखों पर आजम खान के वकीलों ने आनाकानी के चलते कोर्ट ने खत्म किया था जिरह का मौका। 313 का बयान दर्ज कराने आज कोर्ट नहीं पहुंचा आजम खान का परिवार। रामपुर के MP MLA कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान को हाजिर होना था। न्यायालय ने आजम खान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिए थे, लेकिन आज भी आजम खान और उनका परिवार अदालत नहीं पहुंचा। अदालत में आज आजम खान से संबंधित दो मामलों में बयान दर्ज कराने की कार्रवाई होनी थी। पहला मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था, जिसमें 313 दंड प्रक्रिया सहित के तहत आज आजम खान के परिवार को कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराने थे, लेकिन आजम खान के अधिवक्ता द्वारा मुकदमे के विवेचकों से जिरह के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। पिछली तारीखों पर आजम खान के अधिवक्ताओं की आनाकानी के चलते गवाहों से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया और कोर्ट ने 313 का बयान दर्ज कराने का आदेश दिए थे, लेकिन आज आजम खान के अधिवक्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद जिरह ओपन कराने के लिए 2000 रुपये के हर्जे पर जिरह का अवसर देते हुए कोर्ट में उपस्थित विवेचक कृष्ण अवतार की जिरह आज करा दी गई। वहीं इस मामले में दूसरे विवेचक नरेंद्र त्यागी से जिरह के लिए 11 जनवरी की तारीख तय कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को MP MLA कोर्ट में होगी। आज SAGM प्रथम MP MLA कोर्ट में आजम खान के दो मामले थे। एक मामला दो जन्म प्रमाण पत्र अब्दुल्ला आजम खान का, जिसमें कि दो गवाहान के जिरह का अवसर समाप्त किया गया था। बचाव पक्ष द्वारा जिरह ओपन करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जो 2000 रुपये के हर्जे पर न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। उसके अनुक्रम में आज न्यायालय में उपस्थित गवाह किशन अवतार PW15 की जिरह उनके द्वारा की गई। अगला गवाह PW14 नरेंद्र त्यागी, जो प्रथम विवेचक रहे हैं इस मामले के, उनकी जिरह के लिए न्यायालय ने 11 जनवरी की तारीख लगाई है। उस दिन 11 जनवरी को गवाह बुलाया जाएगा, जिससे जिरह उनकी करवाई जाएगी। इसके अलावा एक और मामला था सर, शहजादगंज। वो दूसरा मामला भड़काऊ भाषण का था, मोहम्मद आजम खां का 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन अंकित किया जाना था, लेकिन उनकी तरफ से बीमारी का प्रार्थना पत्र आया। न्यायालय ने परिस्थिति को देखते हुए आज के लिए स्वीकार किया है और कल की तिथि नियत की है 313 के बयान अंकित कराने की। इसके अलावा हर्जाना वगैरह तो कुछ नहीं? नहीं, इसमें मानवता के आधार पर एक दिन का समय दिया है, हर्जाना इसमें नहीं लगा।